जाखल में हरियाणा पंजाब सीमा पर किसानों ने उस समय बवाल कर दिया जब पंजाब एवं अन्य राज्यों से आ रहे धान से भरे ट्रकों में अन्य ट्रैक्टर ट्रॉलियों को किसानों ने पकड़ लिया। इस दौरान किसानों ने मार्केट कमेटी एवं व्यापारियों पर मिलीभगत किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि व्यापारी बाहर से आ रही सस्ती एवं घटिया स्तर की धान को खरीद रहे हैं, इसी कारण उनकी धान को मंदिरों में खरीदा जा रहा है। किसान नेता नवजोत सिंह विक्की ने बताया कि मंडी में जब हमारे किसान ने धान बेचने गए तो उनकी धान की खरीद नहीं हुई, जिससे उन्हें पता चला कि व्यापारी बाहरी राज्यों से धान की खरीद कर रहे हैं, इसी कारण उनकी खरीद नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि हालांकि प्रशासन इस बात का दावा कर रहा है कि बाहरी राज्यों से किसी भी तरह की धान नहीं आने दी जाएगी, लेकिन इसके बावजूद बाहरी राज्यों से धान ट्रैक्टरों एवं ट्रालियों में आ रहा है और प्रशासन उसे रोकने में नाकामयाब है। किसानों ने कहा कि जब तक प्रशासन इस मामले में कड़ी कार्रवाई नहीं करता, वह इस मामले में कोई भी बड़ा कदम उठा सकते हैं। विवाद किया हुआ है, क्या मामला है, क्या कहना चाहेंगे? सर ऐसा है, हम पंजाब के बॉर्डर के ऊपर जाखल मंडी पड़ती है जो कि बाहर यूपी से और स्टेटों से जीरी आ रही है, परमल जीरी। जो हमारी जीरी है पहले तो फ्लैट ने मार दी, फ्लैट बजने की हमारी जीरी लेट है, और कल हमारे कुछ आदमी गेहूँ जीरी काट के ले गए थे, उनकी जीरी लेने से इनकार कर रहे हैं व्यापारी, और बाहर से जीरी सस्ती आ रही है। जो इलाहाबाद से ट्राला आया हुआ है और 6 ट्राले ये गोरखपुर से आए हुए हैं, जो नजायज़ तौर पर सस्ते तौर पर खरीद के व्यापारी लेके आ रहा है, इसलिए हमारी जीरी नहीं ले रहे, और इसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई चाहते हैं। और जो जाखल सेलर के आरओ बाहर के बने हुए हैं, बरवाड़ा वगैरह के, वो आरओ कैंसिल किए जाएं। 11 बजे का टाइम हमने दिया, एसडीएम साहब 11 बजे तक आके हमारे आरओ कैंसिल करवाए, या वरना हम 11 बजे यहाँ धरना लगा देंगे, जाम लगाएंगे। तो ये माल कब से आ रहा है और आपकी जो धान है कब से नहीं बिक्री है? ऐसा है सर, माल काफ़ी टाइम से आ रहा है, कल हमारे एरिया का जाखल एरिया का गेहूँ कल धान कट के बाजार के अंदर गया तो व्यापारी ने लेने से इनकार कर दिया। इनकार होने से बाद ही हमारे किसान को जागृति हुई और पता लगा एक दूसरे को, और इसी करके इसी वजह से हमने ये ट्राली और ट्रैक्टर जो बाहर से आए हुए हैं इनको रोका। तो इस पूरे मामले के पीछे कहानी क्या है, क्यों ऐसा मतलब हो रहा है ये? इसके मगर जो सरकारी अफसर कर्मचारी हैं उनकी मिलीभगत है, और बड़े व्यापारियों का हाथ है, और प्रशासन सरकार का पूरा हाथ है। तो क्या सरकार को भी इस प्रकार चूना लग रहा है? सरकार को भी पूरा चूना लग रहा है, संज्ञान लेना चाहिए, करोड़ों लाखों रुपए का चूना सरकार को लगाया जा रहा है। अच्छा, तो अभी अधिकारियों से बात हुई है, क्या उन्होंने बातचीत की है, क्या आपको आश्वासन दिया है? कुछ ऐसा है जैसे ये ट्राला है, ये इलाहाबाद से आया, कुछ ट्राली गोरखपुर से आई हैं, तो इसमें प्रशासन थोड़ा पल्ला झाड़ देता है, भी इसमें तो जिम्मेदार की है, खुली होने का पता। जो ये ट्राली पकड़ी गई रोकी गई है, ये जिम्मेदार की नहीं है, व्यापारी की है। ओके, हाँ, बड़ा बड़ा किसान है, इसको परेशान कर रहे हैं और चक्कर में डाल रहे हैं। ठीक, हरियाणा पंजाब सीमा पर कुछ धान को लेकर विवाद किया, क्या मामला है और क्या आश्वस्त किया गया है? एक तो इन्होंने 4-5 ट्रालियाँ रोकी हैं जो गोरखपुर गांव से आ रही थी अपने बूना ब्लॉक की, अगर वो ये कोई बात नहीं, इसमें ये कि ये जमींदार की जीरी, ये कह रहे हैं व्यापारी की जीरी है, वो आफ्टर वेरिफिकेशन उसका क्लेरिफिकेशन करती है, जो अगर बाई चांस ये ठीक नहीं पाई जाती अगर जमींदार, उसके खिलाफ जो उचित कार्रवाई हो की जाएगी। जी, जिन्होंने किसानों द्वारा परमल धान को लेकर एक ट्रक में पकड़ा गया, क्या एक ट्रक रोका गया, जो ट्रक रोका गया है उसके बिल वेरिफिकेशन अगर बिल प्रोड्यूस नहीं कर पाता उसके खिलाफ, जो मार्केट फीस बनती है और प्लेंटी लगती है उसके खिलाफ किया जाए। क्या व्यापारी परमल धान को बाहर से राज्य से मंगवा सकते हैं? जी नहीं जी, तो उस पर क्या विभागीय कार्रवाई अमल में लगेगी? उसके यह जो मार्केट फीस बनती है उसके ऊपर और जो प्लेंटी बनती है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, और जो ये है कि अगर डॉक्यूमेंट पूरे होते हैं, नहीं होते तो उसको। तो सर सब बाहरी राज्यों से जो धान आ रही है इसको रोकने के लिए क्या प्रबंध किए जाए? उसके रूटीन में जैसे कि बाहरी राज्यों से कई व्यापारी जैसे बासमती वगैरह मंगा रहे हैं, उसके हमारे पास डबल एल प्रोड्यूस करते हैं, अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट वो टाइमली प्रोड्यूस करते हैं तो उसके वो कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो अभी तक जो जांच की है तो आपको क्या मिला है कि बाहरी राज्यों से ये धान आई है, कहां से ये धान आई है, कितना माल जो है वो आया है? ये लगभग ये 700-800 कट्टे के करीब है, और ये अभी इसके ऊपर वेरिफिकेशन का पता चलेगा ये कौन सी, ये वैसे पीआर लग रही है। जी जी, प्रारंभिक जांच से। जी धन्यवाद। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।